उससे राजी करने का। ईमान इज द नेम ऑफ द हार्ट दैट मस्ट बी फ्री। अल्लाह से ताल्लुक करने का नाम ईमान है। अल्लाह से द कनेक्शन ऑफ अल्लाह सुभान व तआला योर हार्ट, दिस इज मीनिंग ऑफ ईमान। तो दूसरा जब क्वेश्चन हुआ तो मन इस्लाम में सुनम, इस्लाम क्या है? जिब्रील के अमी ने सवाल किया, व्हाट इज इस्लाम? इस्लाम क्या है? जिब्रील ने पूछा इस्लाम क्या है? व्हाट इज इस्लाम? तो जब सरकार ने फरमाया नमाज, रोजा, जकात, हज, दैट टाइम सरकार मदीना थे, फर्स्ट इज आंसर ईमान, और ईमान के बाद अकीदा। अकीदा है मोहब्बत रसूल, अकीदा नाम है मोहब्बत रसूल का। तो मोहब्बत रसूल नहीं तो योर लाइफ इज नो सक्सेस। नो लव फॉर रसूलुल्लाह, देयर इज नो सक्सेस इन लाइफ। तो ये है ईमान, उसके बाद इस्लाम। ईमान सरकार गिव आंसर इस्लाम, इसे फायर का नमाज रोजा रकात है, वी ऑल अंडरस्टैंड नो। देन थर्ड क्वेश्चन इज मेन क्वेश्चन, तीसरा जो सवाल है बहुत अहम, इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, मेन थर्ड क्वेश्चन। जिब्रील अमीन से मन एहसान या रसूल अल्लाह, मन या रसूल अल्लाह। तो जब अगर एहसान की बात ना होती, थर्ड क्वेश्चन ही आज एहसान, दैट टाइम नो एहसान, देन सरकार मदीना से यू वाई यू आस्क मी एहसान, सरपट सरकार डोंट से ही गिव आंसर ऑल्सो, ही डोंट से दैट टाइम वाई यू आस्क मी एहसान, इस्लाम इज फिनिश ना, वहां के पीपल से ओनली इस्लाम, वी लाइक ओनली इस्लाम ना, नो ही से तसव्वुफ, नो सूफी, सूफीज्म यू नो, बट सरकार मदीना दैट टाइम ही गिव आंसर थर्ड क्वेश्चन। वाई व्हाट ही से सरकार, सरकार क्या फरमाए? जिब्रील फरमाए मन एहसान या रसूल अल्लाह। अब यहां पर मेन जवाब जो है वो तसव्वुफ है, द मेन आंसर वुड बी कंसर्निंग तसव्वुफ। अब यहां अपने को हदीस जो देखना है वो उसमें ये देखना नहीं कि तर्जुमा क्या है, बल्कि वो देखना है कि इसमें तसव्वुफ क्या है। तो इन तीन हदीस, तीन सवालों में पहला सवाल ईमान वाले को मिल गया जवाब, फर्स्ट क्वेश्चन ईमान और अकीदा, फर्स्ट ईमान, सेकंड इस्लाम। तो जिसे इस्लाम मिला वो आलिम बना, जिसे इस्लाम मिला, अल्लाह ताला गिव यू सेकंड क्वेश्चन ना आंसर, तो जिसको इस्लाम मिला वो आलिम बना। Those who received Islam became alims. इस्लाम जिसको मिला वो आलिम बना, और एहसान जिसको मिला वो वली बना। Those that received Ihsan became wali. Then what sarkar said that time? अंताबुदुल्लाह, अंताबुदुल्लाह, काम न का तराहू फैलम तकुम तराहू वही नौ यारा का। बोले अल्लाह की ऐसी इबादत कर, लाइक सो मच इबादत ऑफ अल्लाह, अल्लाह की यू मेक लॉट ऑफ इबादत अल्लाह सुभान व तआला, कि तू अल्लाह को देख रहा है। So that you can see Allah Ta'ala. तसव्वुफ मीनिंग इज सी यू, तसव्वुफ इज द मीनिंग, देखने का नाम तसव्वुफ है, देखने का नाम तो सी, एक दूसरे को मोहब्बत में,
one another. एक दूसरे को देखने का नाम तसव्वुफ है. To see one another in is the name is tasawwuf. तो कान न खतरा हो ऐसी इबादत कर कि गोया अल्लाह तुझे देख रहा है. Must make so much ibadah that Allah Ta'ala must be seeing you. अगर तू अल्लाह को देख नहीं सकता, यू कान से अल्लाह सुभान व तआला, बट अल्लाह सुभान व तआला सी यू. नारे तकबीर अल्लाहू अकबर. हरे रसूलुल्लाह. तो यू कान से अल्लाह सुभान व तआला, बट अल्लाह तआला सी यू. देन दिस इज मीनिंग ऑफ तसव्वुफ. यू सी अल्लाह सुभान व तआला, अल्लाह तआला सुभान व तआला. यू सी अल्लाह सुभान व तआला, अल्लाह तआला सी यू. देन दिस इज मीनिंग ऑफ तसव्वुफ. देन पीर मुरीदी इज मेन थिंग पीर सी पीर मुर्शिद फेस, मुरीद सी पीर मुर्शिद फेस, एंड मुरीद सी पीर मुर्शिद फेस. बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना, आज दिल में तुझे रख लो जलवाएगा. तो तसव्वुफ ये है. क्या है दिस मीनिंग ऑफ तसव्वुफ? कान न का तराहु फैलम तकू तराहु, गोया के तू मुझे देख रहा है. आलिम ओनली कम लेक्चर गिव ओनली, ऐसी इबादत कर गोया खुदा तुझे देखता है. बट ही डोंट से अगर तू खुदा को देख नहीं सकता क्योंकि तेरे अंदर वो जर्फ नहीं. दुकान से अल्लाह ताला थिंग्स यू हैवंट गॉट इट इन यू. लेकिन तू इन नो लव in your heart, no love Allah subhanahu wa ta'ala. You can't see that time Allah subhanahu wa ta'ala. But you love of your pure mushad and waliullah, that time your power all come. Bring you closer. You have lot of power that time. That time you know, see, you don't say I can't see. You say I am sure of my waliullah. And waliullah say Allah subhanahu wa ta'ala. He say Allah subhanahu wa ta'ala waliullah. To goya aisi ibadat kar ke tu mujhe dekh raha hai. Must make ibadat in such a way that you can see. To ye tasawwuf ka third question jo hai बहुत अहम है, वो है एहसान. द थर्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट वन. एहसान थर्ड क्वेश्चन. तो तसव्वुफ जो है सब कुछ, तो तीसरा सवाल द बुखारी शरीफ मुस्लिम तिर्मिज़ी एनीबडी एक्सेप्ट दिस क्वेश्चन एंड आंसर. तो जब अगर ईमान के बाद इस्लाम के बाद अगर मकाम तसव्वुफ ना होता तो सरकार फरमा देते डायरेक्टर सरकार मदीना से वायु आस में एहसान स्टॉप. बट डोंट से सरकार मदीना कान स्टॉप. सरकार ने जवाब दिया एहसान. तो इस तीसरे सवाल में हमें इस बात का जवाब मिल जाता है कि जब तुम्हें इस्लाम से तुम्हारा ताल्लुक गहरा हो जाए तो तुम आलिम बन जाओगे, और जब तुम्हारा ताल्लुक